दोस्तों, तो मैं प्रदीप कुमार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का इस वीडियो में मैं बात करूंगा वोल्वो 460 ट्रांसमिशन के बारे में, जो कि इसे चलाएंगे कैसे, हम गियर कैसे काम करता है और इसमें क्या क्या फंक्शन दिया गया है। तो ये फिलहाल ये सब हम इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं इसमें फंक्शन क्या क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें सीट पर इस तरह से बैठना है, उसके बाद हमें सबसे पहले सीट बेल्ट को पहनना है। तो चलिए हम सीट बेल्ट को पहन लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको लगा लेना है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा सीट बेल्ट। तो ये देख सकते हैं आप, हमने इसे यहाँ पे प्रेस कर लिया है। ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से रहता है, इसमें डालते हैं दोस्तों। तो ये हमने पहन लिया है, ये देख। उसके बाद दोस्तों, हमें गाड़ी को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद हम चेक करेंगे फंक्शन कि सब ठीक ठाक है या नहीं, उसके बाद ही हमें गियर लगाना है दोस्तों। चलिए हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। पहले ये रहा इसका चाबी, तो इसे हम स्टार्ट करते हैं पहले। इसको हमने स्टार्ट कर लिया है दोस्तों, अब हम डिस्प्ले की ओर दिखाएंगे। सबसे पहले हमें न्यूट्रल देखना है, गाड़ी न्यूट्रल में है अभी। उसके बाद दोस्तों, ये रहा RPM मीटर और ये स्पीड मीटर। उसके बाद हम इधर का बात करें तो दोस्तों, ये वाले जो स्विच दिख रहा है आप लोग को, इसे नहीं दबाना है आप लोग को कभी भी, नहीं नए लोग हैं तो, क्योंकि इसको दबाने के बाद दोस्तों ये मीटर दिख रहा है, सब 00 हो जाएगा, तो इसे हमें नहीं यूज करना है। उसके बाद हम बात करें इंजन का टेम्परेचर बताता है, जो कि रनिंग गाड़ी में इंजन अगर हीट होता है तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह से ये लाइन दिख रहा है, उसी तरह से ये लाइन यहाँ पे आता है। तो फिलहाल अभी इसमें 0 टेम्परेचर है, तो इसलिए उधर नहीं आ रहा सिग्नल। तो हमें नीचे आके और आना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये एडब्लू का है दोस्तों, इससे हमारे धुआं जो निकलता है, ब्लैक स्मोक उसको बोलते हैं। तो इसका काम फिलहाल धुआं को साफ करने के लिए, पोल्यूशन रोकने के लिए है दोस्तों। और गाड़ी में अगर ये नहीं रहेगा तो पिकअप लो हो जाएगा दोस्तों इससे। अब बात करते हैं नीचे। तो नीचे देखिए दोस्तों, ये डीजल का है। तो डीजल अभी फिलहाल इसमें हाफ टैंक से कुछ ज़्यादा है दोस्तों। तो ये देखिए टेम्परेचर, इधर अभी धूप में, अभी इधर का मौसम कैसा उस हिसाब से यहाँ पे ये टेम्परेचर दिखा रहा है। तो इधर का अभी 22 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है। तो यहाँ पे दोस्तों, अब हम आते हैं इधर। तो दोस्तों, ये पावर ब्रेक का है, पार्किंग का सिग्नल पी का। तो अभी हैंड ब्रेक लगा हुआ है, इसलिए ये सिग्नल आ रहा है इधर में। अगर हैंड ब्रेक हम ओपन कर देंगे तो ये सिग्नल चला जाएगा दोस्तों। तो नीचे बात करते हैं दोस्तों, ये देखिए, ये इंजन ऑयल का है, हाई लेवल लो लेवल का है, तो अभी फिलहाल बराबर ठीक है। और नीचे एयर प्रेशर का है ये, तो अभी दोनों टैंक में जो एयर प्रेशर रहता है वो ये बता रहा है यहाँ पे। और ये सिग्नल दोस्तों, अभी एयर थोड़ा कहीं से लीकेज होगा तो ये सिग्नल इधर पे आ रहा है, तो इसलिए ये चेक का सिग्नल दे रहा है। तो दोस्तों, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे आपका सारा प्रॉब्लम लिख के आएगा, जिससे आप लोग देख के पता कर सकते हैं कि कौन सा सिग्नल दे रहा है और गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। तो आइए हम गियर को लगाते हैं। उससे पहले हम दोस्तों दिखाएंगे इसका गियर लीवर किस तरह से है। तो ये रहा इसका गियर लीवर दोस्तों, जो कि ऑटोमेटिक मैनुअल सब है दोस्तों। वोल्वो 460 में टोटल गियर 16 है, जो कि आगे का गियर 12 है दोस्तों, उसके बाद और रिवर्स गियर 4 है दोस्तों। नीचे की ओर इसका क्लच है। तो ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये बटन आप, ये इसका क्लच है। तो हमें गियर लगाना है कभी भी इसको प्रेस करके, इसको दबा के, जो कि हम इस वीडियो में दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये रिवर्स है दोस्तों, नीचे की ओर फर्स्ट, उसके बाद न्यूट्रल है, ऑटोमेटिक है, मैनुअल है दोस्तों। और ये वाले बटन स्लिप मोड में डालने का है दोस्तों, इसको ऐसा दबा के हमें नीचे की ओर ले जाना है। ये देख सकते हैं आप, स्लिप मोड में आ गया, गियर कोई भी काम नहीं करेगा। तो इसे हमें वापस आ जाना है न्यूट्रल में दोस्तों। उसके बाद हमें जो गियर लगाना है, अगर
रिवर्स लगाना है दोस्तों, तो ये देखिए सबसे पहले हमें नीचे के बटन को प्रेस करके ऐसा करके नीचे की ओर रिवर्स गियर लग गया दोस्तों। तो ये देख सकते हैं आप इधर रिवर्स शो कर रहा है, तो हम न्यूट्रल कर लिए है। अब दोस्तों हमें फिर से ऑटोमेटिक में अगर चलाना है तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमें ऑटोमेटिक गियर लगा लिए हैं। डिस्प्ले में ये देख सकते हैं आप ऑटोमेटिक गियर में आ गया है, तो अब हम गाड़ी को आगे ले जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैनुअल का दोस्तों, तो ये देखिए ये क्लच किए और ये मैनुअल में लगा लिए हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये मैनुअल में आ गया है। तो मैनुअल में दोस्तों हमें गियर लगाने का ज़रूरत पड़ेगा, तो गियर कहाँ से हमें आगे बढ़ाना है, शिफ्ट कैसे करना है गियर, तो वो हम दिखाएंगे। तो मैनुअल में दोस्तों यही है वो बटन, ये देख सकते हैं गियर को बढ़ाना है, ये नीचे वाला माइनस का है, इस प्लस हो रहा है, प्लस का बटन दबाने के बाद में गियर इधर बढ़ रहा है, और ये देखिए माइनस करने से गियर कम हो रहा है। तो ये आप लोग को समझ में आ ही गया होगा दोस्तों। अब हम बात करेंगे ये वाला बटन को कब यूज करना है, तो दोस्तों इसको इस तरह से दबाना है। ये आप देख रहे हैं डिस्प्ले में जो पी का पावर मोड का सिंबल जो आ रहा है, वो बटन को प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए पी प्लस आया हाई मोड, तो ई में आपको जिसमें चलाना है, जिसमें मज़ा आता है चलाने में उसमें चला सकते हैं। पी में चलाना है तो पी में रखिए ये वाले बटन को दबा, और पी प्लस में चलाना है तो पी प्लस भी कर सकते हैं दोस्तों। तो इसे हम वापस न्यूट्रल कर लिए दोस्तों, गियर का कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम यहाँ पे बताएंगे कि इसका लिफ्ट कैसे उठाते हैं। तो उससे पहले दोस्तों लिफ्ट उठाने से पहले हम बताएंगे इसका हैंड ब्रेक के बारे में, जो कि ये रहा इसका हैंड ब्रेक स्विच। ये देख सकते हैं इसमें लाइट है तो अभी लगा हुआ है, जो कि ये पार्किंग का सिग्नल आ रहा है। छुड़ाएंगे हैंड ब्रेक को, छुड़ाएंगे कैसे तो ये हम बता रहे हैं। इसे अंदर की तरफ ऐसा पुश करना है दोस्तों, उसके बाद हमें सर्विस ब्रेक को दबाना है इस तरह से, हमें हैंड ब्रेक को। तो ये देखिए दोस्तों हैंड ब्रेक छूट चुका है यहाँ पे, इसे हम वापस लगा लेंगे, लगा ले रहे हैं। ये देखिए इसे बाहर की ओर खींचना है तो ये लग जाएगा, अगर नहीं लगेगा दोस्तों तो यहाँ पर लाइट नहीं आएगा, और लग जाएगा तो यहाँ पर लाइट आएगा। इधर भी दोस्तों अगर नहीं लगा रहेगा तो ये सिग्नल यहाँ पे नहीं आएगा, लगा रहेगा तभी ये सिग्नल यहाँ पे रहेगा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे लिफ्ट का, तो ये रहा लिफ्ट का स्विच, तो इसे हमें ऐसे दबा के रखना है जो कि इस तरह से लाइट आ जाएगा, और इसे छुड़ाना है तो ऐसे दबा के, एक बार में नहीं आएगा दोस्तों इस तरह, तो ये देखिए इसे हमें दबा के रखना है। अब देख सकते हैं वीडियो लग गया है। उसके बाद हमें दोस्तों ये रहा इसका लीवर, तो इसे हमें इस तरह से उठाना है। उठाने के बाद दोस्तों हमें डाउन कर लेना है, डाउन करने के टाइम में स्विच को वापस बंद कर लेना है। तो ये रहा इसका स्विच, इसे हम वापस बंद कर लिए, डाला का कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम ये वाले स्विच का बात करेंगे, तो ये दोस्तों डिफरेंशियल लॉक है, जो कि दोनों फोर व्हील लॉक बोलते जिसको, तो इसे हम डाल लिए हैं, तो इसे पुश करके डालना है दोस्तों। ये दोनों अप्लाई हो गया है यहाँ पे, तो इसे हम बंद कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम ये वाले पार्किंग स्विच का बात करेंगे, तो ये पार्किंग स्विच है दोस्तों, ये देखिए ऐसा अप्लाई करके यहाँ पे सिग्नल देता है दोस्तों। अगर हम गाड़ी कहीं पर खड़े करते हैं टर्निंग में या कहीं और रास्ते में, तो इसे अप्लाई करना है दोस्तों, तो इसे हम फिलहाल बंद कर लेंगे। अब हम बात करेंगे इसका एसी के बारे में, इसका एसी बटन, तो इसको हमें चालू करना है इस तरह से, और ये वाले दोनों बटन को अप्लाई कर देना है, और अगर कम ज़्यादा करना है तो इससे, यह है इसका मेन स्विच, तो इसे हम बंद कर देते हैं। अगर हीटर चलाना है दोस्तों तो ये वाले है हीटर वाला, तो ये देख सकते हैं आप ये हीटर का है, हीटर में भी ये चालू करना है दोस्तों, ये बंद करके ये चालू करना है, तो फिलहाल हम इसे बंद कर लेते हैं। तो ये रहा एसी का सिस्टम, अगर आपको हवा यहाँ चाहिए तो इसे ऑन कर दीजिए।
स्टेयरिंग के ऊपर, जो कि स्टेयरिंग में क्या क्या सिस्टम दिया है वो दिखाएंगे। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ड्राइवर लोग को ज़्यादा ज़रूरत सीसी का पड़ता है दोस्तों, ये आप देख रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये ड्राइवर लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इसे हम इसको दोस्तों, गाड़ी अगर आप आइडल में खड़ा किए हैं तो इसे दबा देना है, जो कि इसको दबा के रखना है दोस्तों, जिससे आरपीएम ऑटोमेटिक 5-10 पे रहता है, तो ताकि गाड़ी बंद ना हो और गाड़ी आइडल में चालू रहे। तो इसको हम फिलहाल खड़ा रहते हैं उस टाइम यूज करते हैं दोस्तों, ड्राइवर लोग के लिए। और ये सब दोस्तों आरपीएम सेट वेट करने के लिए दिया गया है, तो ये आप लोग को ज़रूरी नहीं है। तो ये रहा दोस्तों गाड़ी का हॉर्न, इसको पूरा दबाने से गाड़ी का हॉर्न बजेगा। अब हम राइट साइड आते हैं स्टीयरिंग का, तो ये आप देख रहे हैं ये 3 बटन, तो इससे दोस्तों हावर्स मीटर निकलता है इससे। तो आप किलोमीटर हावर्स मीटर नहीं जानते निकालने के लिए, तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। फिलहाल अभी बता दे रहे हैं कि इसका हावर्स मीटर आप देख सकते हैं सब बटन से। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इसका इंजन कंट्रोलिंग का। तो ये देखिए इसका इंजन कंट्रोलिंग ये है, इसको हम यूज करके दिखाएंगे दोस्तों। ये ऑटोमेटिक देख सकते हैं, ये हमें इंजन कंट्रोलिंग को यूज करना है। अगर ऑटोमेटिक में रखते हैं तो ऑटो में रखिए, एक जितना में आपको अच्छा लगता है उतना में रख सकते हैं दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे इसका वाइपर मोटर का, तो चलिए वाइपर मोटर को दिखाते हैं। तो यही इसका इंजन कंट्रोलिंग था दोस्तों। अब इसके नीचे, ठीक नीचे ये वाइपर मोटर है, तो इसे हम चालू करके दिखाएंगे दोस्तों। ये रहा इसका वाइपर मोटर, जो कि ये देख सकते हैं दोस्तों। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, पूरा देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो दोस्तों ये है इसका वाइपर मोटर, ये दोस्तों ऑटोमेटिक पानी वानी छोड़ता है ये बटन से। तो इसे हमें इसको ऐसा करके रखना है, तो ये देख सकते हैं पानी वहाँ पर दे रहा है दोस्तों। लेफ्ट साइड की बात करें तो ये हमें पासिंग लेने के टाइम में ज़रूरत पड़ता है, तो हमें राइट लेफ्ट जिस टाइम पास करना है गाड़ी को उस टाइम, ये देख सकते हैं। अगर लेफ्ट लेना है तो नीचे की ओर करना है, राइट लेना है तो ऊपर की ओर करना है। और इमरजेंसी लाइट दोस्तों जो है ना, पासिंग लाइट किसी को, तो ये ऊपर की ओर ऐसे करना है। तो दोस्तों अब हम नीचे की ओर दिखाएंगे, सर्विस ब्रेक है और लेटर, और इसके अलावा देखिए। और इसका ठीक ऊपर दोस्तों ये आप देख रहे हैं, तो ये स्टेयरिंग का एडजस्टिंग है, तो इसे हमें पुश करना है, देखिए इस तरह से दबाना है, और स्टेयरिंग को इसे ऊपर की ओर उठाना है, नीचे की ओर रखना है। तो आप किधर से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये देखिए हमने इसको अभी ऊपर की ओर कर दिया। अब हमें अगर नीचे करना है तो वो ये बटन को फिर से दबाना है, तो ये देखिए हमने इसको दबाया, नीचे की ओर प्रेस किया। अब दोस्तों केबिन का ऊपर का बात करें, तो ये आप देख रहे हैं ये केबिन लाइट का है स्विच, तो ये देखिए केबिन लाइट जल गया। अब इसे हम बंद कर लेते हैं, तो ये बंद हो, तो यहाँ से भी जला सकते हैं, तो यहाँ भी स्विच कर देते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं। और ये साइड ये स्पीकर है साइड का दोस्तों, इसमें सिस्टम बहुत अच्छा है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसका चार्जिंग सिस्टम का। तो ये रहा इसका लेटर दोस्तों, आप अगर सिगरेट पीते हैं तो इसे यूज करके इसे आप जला सकते हैं निकाल के दोस्तों। और ये चार्जिंग का ये दोनों दोस्तों, ये 24 वोल्ट का है, ये जो कि 12 वोल्ट का आप देख ही रहे हैं, तो इसमें चार्जिंग भी कर सकते हैं। तो लेटर कम्प्लीट हो चुका है, तो आप खोल के इसे हम दिखाते हैं, तो ये देखिए, तो इसे हम वापस फिट कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इसका सीट का, तो सीट में क्या क्या फंक्शन है वो हम दिखाएंगे, सीट का सारा फंक्शन। तो इससे ये सीट हाइट होगा, ऊपर की तरफ चाहिए तो ऊपर से ऊपर करना है, नीचे चाहिए तो नीचे करना है। तो दोस्तों ये आपने देखा कि ये किस तरह से काम करता है, तो ये देखिए ये इस तरह से उठता है और इस तरह से डाउन हो जाता है। और इसका बात करें तो ये तो हवा भरने का है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये
इसमें अगर सीट को हाइट करना है तो इस तरह से होगा, फिर डाउन में रखना है तो इसे डाउन कर देना, तो देख सकते हैं सोफा नीचे चला गया। अगर हाइट करना है तो फिर से देखिए तो इस तरह से होता है, तो इसे डाउन कर लेना, डाउन हो चुका है। दोस्तों ये भाग को अगर आपको हाइट करना है तो ये बटन है, ये वाला आप देख सकते हैं, इससे हाइट हो गए, और डाउन अगर होगा तो देख सकते हैं आप हवा निकल गया है, तो ये पूरा सिंपल हो गया। अगर हाइट करना है तो इसे ये देख सकते हैं हाइट हो गया, तो डाउन कर लेते हैं। तो दोस्तों अब इसके बाद करेंगे हम, तो इससे सीट को आगे की ओर करना है, ये देखिए, तो ये देख सकते हैं आप, इससे हमें सीट को तो इस तरह से, ये तो ये वाला बटन दोस्तों, इसको उठाने से ये भाग इधर से इधर थोड़ा मुड़ेगा ऐसा, और ऐसा फोल्ड होगा। सीट को अगर आगे पीछे करना है तो ये नीचे वाला से, ये देख सकते हैं आप नीचे, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों, जैसे कि हम आपके लिए और ऐसे इस तरह का वीडियो बनाते रहे। खोटा खोटा बात बन बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा शाप बन, चार जन जो करेंगे।